मनाया गया गायत्री माता का जन्मदिन। आपको बताते चले कि गोंडा जनपद के वजीरगंज क्षेत्र ग्राम सभा धनेश्वरपुर में माँ गायत्री की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम माता गायत्री का जन्मदिन कार्यक्रम संस्थापक रामराज सिंह व प्रमिला सिंह, व्यवस्थापक रामानुज सिंह, संयोजक मंजू पांडे के द्वारा शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में इस कार्यक्रम को फरवरी माह के 6, 7 व 8 फरवरी को कार्यक्रम हर वर्ष किया जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत महिला कलश धारण करके कलश यात्रा निकाल एवं इस कार्यक्रम में हवन यज्ञ प्रवचन दीप कार्यक्रम दीप यज्ञ कार्यक्रम पंडित प्रेम शंकर द्विवेदी व उनके टोली के द्वारा संपन्न कराया जाता है। सभी मंत्रों का राजा है। हमारे पुराणों में, वेदों में 7 करोड़ मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 7 करोड़ मंत्र। मंत्रों में सबसे बड़ा यदि कोई मंत्र है तो गायत्री मंत्र है। महामंत्र जितने जग माही को गायत्री सम नाही। गायत्री मंत्र के समान कोई मंत्र नहीं है। गायत्री से बड़ा कोई देवता नहीं है। गायत्री मंत्र को राम जी ने जपा। रामायण में भी वर्णन आया है कि मंत्र राज नित्य जप ही तुम्हारा और पूजहि तुम्हें सकल परिवार। इस गायत्री मंत्र में 24 अक्षरों का समावेश है। इतना सब कुछ होते हुए गायत्री मंत्र में जहाँ 24 अक्षर का वर्णन आया है, तहाँ ऋषियों ने गायत्री मंत्र को भगवान के 24 अवतारों की तरफ संकेत किया है। 24 गुरु थे, उन 24 गुरुओं की तरफ संकेत किया है, पीठों की तरफ संकेत किया है, 24 ज्योतिर्लिंगों की तरफ संकेत किया है। को गायत्री गायत्री मंत्र जपने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता। गायत्री मंत्र को वशिष्ठ जी ने 3.25 करोड़ मंत्र के जपा था। विश्वामित्र जी ने 3.25 करोड़ मंत्र जपा और इतना बड़ा इज्जत मानस गायत्री परिवार ने खड़ा किया है। तो गायत्री की शक्ति का ही प्रभाव है। 52 प्रज्ञापुराण अंतर्गत लोगों के विचार दूषित हो रहे हैं, तो विचारों में पवित्रता लाने के लिए गायत्री मंत्र का ही आश्रय लिया जाना चाहिए। गायत्री मंत्र सद विवेक को जगाने वाला है। वेदों ने स्तुति किया है। गायत्री मंत्र लोगों को पवित्र बनाता है, गायता है। गायत्री मंत्र आयु बढ़ाता है। गायत्री की जितनी महिमा कही जाए उतना ही कम है। आइए अब निवेदन करेंगे। आगे हमको कथा पर प्रकाश डालना है, इसलिए हम मीडिया वाले भाई से